सुबह की शुरुआत हो रही है गाइस फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट के साथ। ये अपना फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट गाइस, आज हमारी है एनिवर्सरी, लड़की को बाल स्विंग करवाते हैं। ये इनकी शॉप है देखो। सो गाइस, हमने ऑर्डर किया है आपका ग्रिल प्रॉन्स। फाइनली पहुंच गए हैं जी अपना कृत्या ओवर। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों के पास। गुड मॉर्निंग बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। आई होप सो सभी लोग अच्छे होंगे। सो सुबह की शुरुआत हो रही है गाइस फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट के साथ, बिकॉज आज हमारी है एनिवर्सरी। सो हमने सोचा कि यार एक अच्छा सा एक फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट करा जाए, और फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट इज रेडी हियर। सो गाइस, ये है अपना फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जूस है, एग है, आपका पैनकेक है, फ्रूट्स है, कॉफ़ी है, ब्रेड जैम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे अभी। ठीक है, मैं सुबह स्विमिंग पूल में कूद गया था कुछ रील्स वगैरह के शॉर्ट्स लेने के लिए, और वो रील्स जो है आप मेरे इंस्टाग्राम पेज देख सकते हो। और बाकी जो है ज्योति जो है वो रेडी हो रही है, उसके बाद हम करेंगे अपना फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट इंजॉय। और सुबह का नज़ारे देखो भाई, क्या नज़ारे हो रहे हैं, एक नंबर नज़ारे हो रहे हैं। और सूरज भगवान सर पे तैनात है, सूरज भगवान आपको सत सत नमन। अब चलते हैं जी, थोड़ा ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, और आप भी एक बढ़िया सा व्यू एंजॉय करिए। भर भर के कमेंट करिए यार, सब्सक्राइब करें, शेयर करें यार। आज जो है हमारा प्लान है बाली स्विंग जाने का, आपको दिखाएंगे बाली स्विंग में क्या है क्या नहीं है, कितने चार्जेस लगते हैं क्या नहीं लगते, उसके बाद भी कुछ प्लान्स है हमारे, वो आप लोगों को बताएंगे। सीरियसली एक्चुअली गाइस, क्या हुआ था कि कल हम यहाँ आए थे सामान लेने के लिए, और हम ना जो ज्योति के लिए मैंने एक बैग लिया था छोटा वाला, वो यहीं भूल गए थे हम। अब दूसरे देश में आए हैं यार, अब आए हैं भूल गए हैं सामान कल को। भाई इंडिया में अगर हम जाएंगे ना तो भैया मना कर देंगे साहब कि हाँ भाई नहीं छूटा है, बट भाई यहाँ के लोग आते ही जैसे ही घुसा हूँ वैसे ही उन्होंने बोल दिया वो यार ये, मतलब उन्होंने खुद से ही बैग दे दिया। जाते ही बैग दे दिया, तो भाई वही हम इससे बात करते हुए कि मतलब भाई की मतलब हमें बैग मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं वो ना बोले तुम झूठ बोल रहे हो, बट भाई दे आर सो जेन्युइन भाई, दिल जीत लिया भाई बाली वालों ने। हैप्पी बोल रहा है हैप्पी बाली, अब दो सामान और ले जाएं, ट्रे ले या कुछ और ले बता, देख लेते हैं। इनकी शॉप है देखो, कितनी बड़ी शॉप है। कल यहाँ से हमने बहुत सारी शॉपिंग करी है, बैग्स वगैरह हैं और बैग्स ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं भैया, एक सामान रखने का भी है, तो बढ़िया है। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं वापस होटल, भैया हमने वहाँ से भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, और अब चलते हैं जी। बहुत महंगा बता रहे हैं यार ये लोग, कम भी नहीं करते, अब क्या ही कर सकते हैं, महंगा है ही भाई यार। मतलब अब इंडियन का बाहरी लोग बोल रहे हैं सस्ता है, ऐसा भी नहीं है कि सस्ता है भाई। अब आप यहाँ की करेंसी चेंज करवाओगे ना, तो फिर जब आपके पास जब आप यहाँ पे शॉपिंग करोगे तो आपको महंगा ही लगेगा। ऐसा सच नहीं है कि मतलब बहुत सस्ता है, ठीक है, रिजनेबल है, ठीक है, बट ये भी नहीं कह सकते कि भाई आप भर भर के सामान ले लोगे, इतना भी सस्ता नहीं है यार। बाकी देखो यहाँ की मिनी बस, बाली की मिनी बस देखो, यहाँ पर पैसे पैसे चलते हैं, यहाँ मस्त है। यहाँ पे जो मेन खर्चा होता है ना भाई, वो खाने में होता है। आप जो है ना भाई, मतलब खाओगे तो कैफेज़ में ही खा सकते हो, वरना बाहर नहीं खा सकते, बाहर तो बिल्कुल नहीं खा सकते, आपसे खाया ही नहीं जाएगा। और कैफे में खाओगे तो भाई ऑब्वियस ही बात है महंगा ही मिलेगा आप लोगों को। गाइस, अब हम जा रहे हैं आपका बाली स्विंग, बाली स्विंग में चलते हैं, आपको दिखाते हैं, पहले होटल चलते हैं, होटल में सामान रखते हैं, उसके बाद सीधे निकलते हैं बाली स्विंग के लिए। सो गाइस, हम आ चुके हैं भैया अपने होटल पर, सामान वामान हमें रख दिया है जी, और सामने नज़ारे देखो भाई, मस्त नज़ारे हो रहे हैं, एक नंबर भाई। सुबह बहुत स्विमिंग करी भाई, बहुत स्विमिंग करी, अब एक बज चुके हैं, हम जाते हैं यहाँ से। 46 मिनट लगेगा बाली स्विंग, जो मेन बाली स्विंग है ना वो वहाँ पर जा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ बाली स्विंग हर जगह होती है, जब भी आप कभी आओ तो चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप जैसे कल हम वाटरफॉल में गए थे, वहाँ पर बाली स्विंग हो रही थी, अगर आप कृत्या में जाओगे, कृत्या ओबुद है, तो वहाँ पर बाली स्विंग होगी। लेकिन जो मेन बाली स्विंग है ना, जब आप गूगल में बाली स्विंग डालोगे तो वो थोड़ा सा दूर पड़ेगा आपको, तो वहाँ जाते हैं, लड़की को बाली स्विंग करवाते हैं, और उसके बाद फिर वापस आते हैं, देखते हैं शाम को कहाँ जाते हैं। कृत्या जाना था एक बार, कृत्या वो बहुत भी अच्छा है, हम सोच रहे हैं वहीं पर जो है ना रात को अपना एंजॉय करेंगे। वैसे तो एंजॉय करने के लिए अपना ये विलाई काफ़ी है यार, यहाँ नहाते रहो मस्त से, बट हमने बहुत एंजॉय कर लिया यहाँ पर भी, क्योंकि मेन है यार घूमना भी तो है ही, जब आके विला में पड़े रहेंगे तो उसका क्या फ़ायदा। बट मेन चीज़ ये है कि भाई हम वहाँ गए और उन्होंने हमें इतने मतलब इतने ट्रस्टेबल लोग हैं ना, उन्होंने जाते ही बोल दिया ओ यू फॉरगेट दैट बैग, ये वो करके फिर उन्होंने दे दिया बैग,
तो हमें तो ये सोच रहे थे यार पता नहीं वो क्या ही बोलेंगे, तो हमें थोड़ी सी ये टेंशन थी, है ना ज्योति विष्ट कहाँ गई? ये ज्योति विष्ट ने अपने कपड़े चेंज कर दिया, पानी और गिरा दिया इसने पागल ने, सूख जाएगा वो, इतनी गर्मी इतनी हो रही है यहाँ पे। तो कहते अब चलते हैं रस्ते में, मिलते हैं आप लोगों को, नज़ारे दिखाते हुए चलते हैं और आपको बाली स्विंग करवाते हैं। मैं तो नहीं करूँगा, ये करेगी, हमें क्या करना बाली स्विंग यार। तो और इनको बोलता हूँ होटल वालों को क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट का वो जो है ना वहीं पड़ा हुआ है अभी पर। लेकिन भाई नज़ारे यार एक नंबर है, अगर यहाँ ग्रुप के साथ आओ ना तब तो आपको और मजा आएंगे, नेक्स्ट लेवल मजा आएंगे। चलते हैं गाइस रास्ते में, नज़ारा दिखाते हुए मिलता हूँ आप लोगों को। तो गाइस ये खड़ी है अपनी धन्नू, धन्नू बड़ी मस्त लगती है यार मेरे को ये वाली, इतना मस्त स्कूटी है भाई। और अभी निकलते हैं जी बाली स्विंग के लिए। ज्योति मैडम फिर अपना जो है हेलमेट भूल गई हैं, हमने बोला हेलमेट लेके आइए आप, तो गई हैं अंदर हेलमेट लेने के लिए। ओबू जो है ना पीसफुल जगह है, शांत जगह है। और वैसे आप यहाँ से ना ओबू से सेमिनार भी आ सकते हो, मतलब यहाँ से वही 46-56 मिनट लगेंगे। अब यहाँ से हम बाली स्विंग जा रहे हैं तो वो भी 46 मिनट लगेंगे। तो अगर किसी को मन करे कि हाँ नहीं यार वो जो मज़ा नहीं आ रहा था हमें सेमिनार जाना चाहिए, तो सेमिनार भी आ सकता है, बंदा अप एंड डाउन कर सकता है यहाँ से, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जी बाली स्विंग। लेकिन बाली स्विंग में आके ना यार हमारा मन जो है नहीं कर रहा बाली स्विंग करने का, क्योंकि यार देखो आपको मैं चीज़ बताता हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे जो है झूला झूला रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जैसे हम पार्क में झूला झूलते हैं ना वैसे झूला झूला रहे हैं। और ड्रेस जो है आप यहाँ से रेंटेड ले सकते हो, और पैकेज जो है ना वो बहुत महंगा बोल रहे हैं यार, मतलब 2 लाख का सिंगल, मतलब 2 लाख का सिंगल स्विंग। और ड्रेस का ड्रेस अगर आप लोगे तो भैया आपको 2,50,000 अलग से लेना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वर्थ इट नहीं है इतना। सिर्फ एक फोटो का है, बस फोटो का ही है यहाँ पे, कुछ नहीं। और ऊपर से स्विंग भी तो कुछ खास नहीं करवा रहे, तो हमें तो भाई वेस्टेज ऑफ मनी लग रहा है और कुछ है भी नहीं, तो इसलिए भाई हम नहीं कर रहे हैं, बस नॉर्मल से झुला रहे हैं। और ये वाली स्विंग हो गई नहीं, और प्रोफेशनल फोटोग्राफर के फोटोग्राफर अलग अलग से लोगे उसके अलग हैं। ओ भाई 3,50,000, ओ भैया क्या है इसमें, मेरे को तो भाई वेस्ट करवा नहीं लग रहा है। सो गाइस यहाँ पे ना बहुत सारे बाली स्विंग हैं, हम जा रहे हैं दूसरे वाले में। ये वाला जो है ना यहाँ से ना बाली स्विंग स्टार्ट हुई थी मतलब, तो इस वजह से थोड़ा उन्होंने महंगा कर रखा है। तो भाई देखते हैं, हमारा मन दूसरी जगह देखते हैं, वहाँ पर अगर चीपर मिल गया सही मिल गया तो वहाँ से कर लेंगे, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है यार, इससे बढ़िया तो हम कृत्या उबूद में जाके मज़े कर लेंगे। अभी वहाँ पर भी जाने की हम सोच रहे थे, टाइम वेस्ट करने से अच्छा क्विक डिसीजन लो और निकलो। तो भैया हम चलते हैं दूसरे वाले बाली स्विंग में, यहीं पास में ही है तो वहाँ देखते हैं। सो गाइस हम बाली स्विंग से तो भाई वापस आ गए, और अभी हम रास्ते में ना ये गोगो मार्ट करके कुछ है वहाँ पे रुके हैं कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पे कुछ खाते हैं। फाइनली अपना जो है भैया खाना वाना आ चुका है, मैंने मंगाया आइस टी, इसने मंगाया वनीला ब्लेंड, और 2 लेग पीस मंगाए हैं अपने ये KFC वाले, फ्रेंच फ्राइज मंगा रखा है। बढ़िया तरीके से खाते हैं जी, मस्त तरीके से ठीक है, जैसी आइस टी मैकडी की होती है वैसी आइस टी नहीं है ये, आइस टी होता कैसी आइस टी है तुम्हें, प्रॉपर ऐसे चाय की पत्ती का टेस्ट आता ना वैसे ही आया, नॉट बैड। अच्छा वनीला ब्लेंड बहुत अच्छा है भाई, सही है, बेकार तो नहीं है ना, वैसे टेस्ट तो नहीं आना ना बदलू वाला। तो गाइस फ्राइड चिकन भी अच्छे हैं, तो आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, गोगो गोगो मार्ट ना, गोगो मार्ट गोगो फ्राइड चिकन, गोगो फ्राइड चिकन करके, तो आप लोग सर्च करते हो गोगा में लोकेशन डाल सकते हो, तो कभी मन करे सस्ता खाने का बढ़िया खाने का सही है भाई, जैसे KFC वगैरह खाने का तो ये सही है। सो गाइस अब निकल रहे हैं यहाँ से, और हमने ना भाई ये लगा लो 374 रुपीज़ में ना भाई 4 फ्राइड चिकन खाया, फ्रेंच फ्राइज खाया, लेमन टी पिया, और ये आइस टी लिया, और ये ब्रांडेड, ये बड़ी ना ब्रांडेड लिया भाई, बताओ ना सस्ता भाई, मज़ा आ गया खा के, पेट भी भरा हुआ और अच्छा लगा, सेटिस्फाइड, पहली बार अच्छी चीज़ लग रही है, बड़ी अच्छी चीज़ लगी। फाइनली पहुंच गए हैं जी अपना कृत्या ओबो दे देखो यहाँ पे कुछ इस तरह का है भाई, बहुत बड़ा। अब चलते हैं यहाँ से भैया, टिकट काउंटर टिकट लगेगी यहाँ पर भी, हर जगह टिकट देते हैं जी अपना टिकट। यहाँ से मिलेगी टिकट 50,000 इंडियन ओशन रुपये के हिसाब से मिल रहा है पर पर्सन, तो सही है भाई, एक्सेस मिलेगा पूल का और बाकी चीज़ों का, तो
बढ़िया। जब भाई 50,000 रुपये फूक रहे हैं एक बंदे का तो भैया मुझे तो पूरे लेंगे ना। इंडिया यू वेलकम। सो दिस वे सो गाइस टिकट मिल गई है, दो बैंड मिल गए हैं जी, अब दो बैंड लगाएंगे और चलेंगे अंदर। तो भी रख लिया है, बैग पहन लेते हैं, टावल आवल तुम्हारा भाई ले आया है फुल, टावल के चार्जेस लेते हैं भैया अपने होटल से ले गया ना। यस थैंक यू सो मच। सो गाइस फूड वगैरह आप अंदर नहीं ले जा सकते तो अपने साथ कैरी मत करना, कैरी करो। या सो गाइस अगर आप सामान ले भी आओगे तो आपको स्टिकर्स वगैरह मिल जाएगा, आप ले सकते हो। देखो वहाँ पे जो है वो स्विंग हो रहा है, कपल स्विंग हो रहा है, बेड स्विंग हो रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे जेंट स्विंग हो रहा है, बहुत सारे स्विंग हो रहे हैं भाई, मतलब फुल एंटरटेनमेंट है यहाँ पे तो। और राइस टेरेस है, अलग अलग जगह फ़ोटो खिंचवा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलते हैं नीचे कौन सा, और वहाँ पर जो है वो केव है, वहाँ जा सकते हैं, चलते हैं घूम के आते हैं आ जा, और अपना पूल जो है यूज़ कर सकते हैं, इन्फिनिटी पूल। इन्फिनिटी पूल तो ऑब्वियसली यार हम करेंगे, एक बार देख के दिखाता हूँ आपको मैं स्विंग। मुझे वहां से सच निकलता गाइस, आप सी को देख के मेरे को हर की जगह हिच निकली था। तो गाइस आपने सो गाइस स्विंग तो आपने देख लिया, कुछ नया भाई 260,000 रुपये झूले, चल ठीक है यार शौक है अपने अपने, जो यार हनीमून कपल जो आ रहे हैं ना वो ज़्यादा कर रहे हैं, बट भाई हम तो नहीं कर रहे, हम करेंगे इंजॉय, खाना पियेंगे, खाना वाना पी लेंगे दबके। यहाँ पे जो है ना फोटोज वगैरह क्लिक करवा सकते हो, वहाँ पे नेस्ट बने हुए हम ऑलरेडी क्लिक करवा चुके हैं, है ना, दोबारा तो नहीं करवाना। नो नो फाइनली भैया आप लोगों ने देखा होगा कृत्या ओबुद द बेस्ट प्लेस, अच्छा हम यहाँ पे आ गए, और अभी हमारे इनके रेस्टोरेंट में ये है इनके थर्ड फ्लोर पे, नीचे जो था पूरा फुल था, और नीचे जो था ना उसमें मिनिमम स्पेंड का था, हम सोच रहे थे कि मिनिमम स्पेंड वाले हैं, मिनिमम स्पेंड का मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, मिनिमम स्पेंड का ये है कि अगर आप कोई टेबल लेते हो 4 पीपल वाली टेबल लेते हो तो आपको वहाँ पे 8 मिलियन था ना, 10 मिलियन मतलब 10 लाख 10 मिलियन 1 मिलियन ना, तो यू हैव टू बी स्पेंड, तो आप अगर आप 4 टेबल वाले लेते हो तो आपको 1 मिलियन जो है ना वो स्पेंड करने पड़ेंगे, मतलब 10 लाख रुपए आपको वहाँ पे, मतलब अगर आपको खर्च करने ही करने हैं, मतलब ये समझ लो। फिर हमने सोचा टोल एक दो टेबल वाली थी और उसमें व्यू नहीं आ रहा था, फिर हम आगे ऊपर वाले में, ये जो है ना फ्री ऑफ एक्सेस है, यहाँ पर आपको कोई मतलब पैसे आपको जितना आपको स्पेंड करना है उतना करो, ऐसा कुछ नहीं है वो इतना ही करना है, तो ऊपर बैठ गए। और बाकी मैं सोचा था पूल पे जाऊँगा, बट यार पूल पे ना यार अब जाने का मन नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत है, भीड़ की भी बात नहीं है, फिर यार अभी और मतलब अब मैं विला में ही मैंने स्विमिंग करी है, और यहाँ फोटोज़ वगैरह के लिए मैं जा सकता हूँ, पर ठीक है यार मैंने आप लोगों को दिखा दिया, मेरा मेन काम था कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ, चीज़ के बारे में बताऊँ। इंस्टाग्राम पर मेरा थोड़ा सा कंटेंट चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मन नहीं कर रहा क्योंकि शाम भी हो गई है, और फिर ज्योति जो ऊपर बैठी ज्योति का मन नहीं है, फिर वहाँ तो वहाँ पर ना यार फोटोज़ के लिए फिर इसको मैं बुलाऊँगा, ये ऊपर से आएगी टेबल छोड़ के, वो चीज़ ना अनकम्फर्टेबल हो जाता है, मतलब हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे अपना मोमेंट, क्यों है कि नहीं। एनिवर्सरी है, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं अपना यहाँ पर आराम से, भैया उन्होंने बढ़िया सा लगा रखा है, कैंडल लाइट डिनर हो रखा है, सो वी आर गोइंग टू एंजॉय एंड ऑर्डर आवर फूड, आपको बताते हैं हम क्या फूड ऑर्डर कर रहे हैं। ये गाइस ठीक है, और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, कैसे मैंने कि आपको कैसा लगा ये जगह, लेकिन ये मस्ट विजिट प्लेस है पक्का हो। सो गाइस हमने ऑर्डर किया है आपका ग्रिल प्रॉन्स, और एंड ये आपका है बर्गर, और ये है आपका इनके साथ में उन्होंने दिया है पोटैटो, ये है चिकन बर्गर ज्योति ने मंगाया है, कॉकटेल्स, तो मैंने भाई सोचा कि यार कॉकटेल ट्राई करते हैं कैसा होता है, बड़ा मस्त बना रखा है इन्होंने, ऑरेंज जूस वूस डाल के बढ़िया बना रखा है, और ये देखो ग्रिल प्रॉन्स कितने मस्त लग रहे हैं, एक नंबर बन रहे हैं जी, एक नंबर।
मिलते हैं आप लोगों को, थोड़ा एंजॉय एंजॉय करते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों को। गाइस अभी हम आए हैं जी आइसक्रीम खाने ज़ेलातोस। हाँ क्योंकि आज हमारा लास्ट दिन है तो हमने सोचा भैया इनकी आइसक्रीम तो खा के जाएंगे भाई। इससे पहले हम इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ पे बैटरी जो है ना फ़ोन में से 10% बैठी है, इसलिए मैंने नॉर्मल वीडियो बना दी थी, ज़्यादा अपना वीडियो बनाई नहीं। तो आइसक्रीम अब हम टेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जो राइट। अगर हम होटल में आ चुके हैं, यहाँ बज चुके हैं ऑलरेडी 11, तो भाई अब सोते हैं, कल सुबह हमें फिर से उठना है, फिर जाना है। आप लोगों का एक्सप्लोर करवा पाएंगे जब टाइम पे उठेंगे। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सभी लोगों के ब्लॉग में अच्छा लगा होगा। आप सभी लोगों के ब्लॉग में अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप सभी लोगों के नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।